चलो पहले तो टाटा गेट के साइंस में आपको कौन सी बुक लेनी है। याद रखो कि हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक की ही जरूरत है और कोई भी बुक अभी आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। ओनली एक साइंस की टेक्स्ट बुक ही आपको लेनी है और कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं। आपको जो भी चाहिए होगा मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखते जाना है और नोट करते जाना है, उसी में से सब कुछ आपका आ जाएगा। मैं क्वेश्चन आंसर ही आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी। एट साइंस की टेक्स्ट बुक आपको ये वाली परचेज करनी है, स्टैंडर्ड एट की साइंस की टेक्स्ट बुक। इसके अलावा और कुछ भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम चैप्टर वन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, पहले तो क्रॉप क्या है वो सबको पता है, थोड़ा बहुत तो सेवेंथ स्टैंडर्ड तक आपको आइडिया ओवरव्यू तो पता ही है कि क्रॉप किसे बोलते हैं। वेजिटेरियन जो भी चीज हम खाने में लेते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वेजिटेरियन, ठीक है। वेजिटेरियन जो भी हम खाने में लेते हैं वो खेत में पकता है ना, फार्मर फार्म में वो उगाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। उसका प्रोडक्शन मतलब वो फार्मर कैसे खेत में उगाता है वो पूरी प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जमीन में बीज डालने से लेकर वो बड़ा हो जाए, पूरे बढ़ जाए, फिर उसमें से वो गेहूं वगैरह कैसे निकालते हैं वो सारी प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसे हम बोलेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। इसका क्रॉप को प्रोड्यूस करना, फार्म में फार्मर कैसे उसे पकाते हैं और उसे कैसे हमारे घर तक वो हम खरीद के पहुंचाते हैं। अभी ये सीजन का आपको पता ही होगा, थोड़े दिनों पहले ही मम्मी या पापा घर पे गेहूं वगैरह लेके आए होंगे, पूरे साल का स्टोर करके रखते हैं ना, ठीक है ना। मम्मा ने अचार वगैरह बनाया होगा, सारे मसाले मम्मी लाई होगी घर में, तो दैट इज वो कहाँ पे आप होता है, सब कुछ खेत में होता है, वहां से हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब ये है कि खेत में से फार्मर ने वो क्रॉप वहां से निकाल दिया, खेत में फार्मर ने वो क्रॉप वहां से निकाल दिया, फिर वो जाके अलग अलग जगह पे बेचेगा, वहां से हमारे घर तक जो आएगा उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट। उसका क्या करना है, हमें मैनेजमेंट करना है। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो मैं बुक में से पढ़ती जाऊंगी और आपको अच्छे से समझाती जाऊंगी, ठीक है। पहली एंड बुझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली एंड बुझो दोनों भाई बहन है, वो समर वेकेशन में अपने अंकल के घर जाते हैं। देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके अंकल है वो एक फार्मर है। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी सिकल शोवेल प्लाव एटसेट्रा इन द फील्ड। उसके अंकल फार्मर है तो ऑब्वियसली वो खेतों में भी अंकल के साथ जाते होंगे, पहेली एंड बुझो है ना, अंकल के साथ जाते होंगे। तो वहां पे जाके उन लोगों ने अलग अलग टूल्स देखे लाइक खुरपी सिकल शोवेल प्लाव एटसेट्रा, फार्म में खेत में यूज होने वाले जो अलग अलग टूल्स होते हैं उनके ये नाम, ठीक है। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जीने के लिए फूड तो चाहिए होगा ना, बिना फूड के हम रह सकते हैं, हाँ एक दिन दो दिन पांच दिन रह पाएंगे, ज्यादा रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सबको फूड तो चाहिए ही चाहिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, प्लांट्स से वो अपना फूड खुद बनाते हैं, हमें पता है कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, आपने नाम सुना होगा ना, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट से वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। उन्हें किसी और पर फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड, आप याद कर सकते हो कि ग्रीन प्लांट से वो अपना फूड कैसे खुद सिंथेसाइज करता है। खुद सिंथेसाइज करना मतलब कि खुद बनाना, वो कैसे अपना फूड खुद बनाता है, कैसे बनाता है, अभी अभी मैंने बोला ना फोटोसिंथेसिस से, है ना। नाउ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, बाकी कोई भी एनिमल से वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और ह्यूमंस भी अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हाँ
घर पे आटा हो, सब्जियां हो, अलग अलग चीजें हो, तो हम उसमें से खाना पका सकते हैं, खाना पका सकते हैं। पर सब्जियां, आटा, गेहूं वो तो हमें चाहिए ना, वो हम खुद बना सकते हैं? नहीं बना सकते, वो तो खेतों में उगता है। हमारी बॉडी में अपने आप फूड प्रोड्यूस होता है, जैसे प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड वो अंदर ही खुद बना लेते हैं। वैसे हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, हमें बाहर से फूड खाना पड़ता है। दैट मीन्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर फूड ऑन देयर ओन, उसे दूसरी चीजों पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है ना? सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो ये जो दूसरी चीजों पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है, तो ये फूड आता कहाँ से? वेयर डू दे गेट दिस फूड फ्रॉम? ठीक है, ये फूड उन लोगों को कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमें फूड खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिना खाने नहीं रह सकते? नहीं, फूड खाएंगे तो ही हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी, और एनर्जी आएगी तो ही हम बाकी सारा काम कर पाएंगे ना, है ना? अभी आपको मैं यहाँ पे खड़े खड़े पढ़ा रही हूँ, मैंने खाना नहीं खाया तो मैं खड़ी रह पाऊंगी यहाँ पे? है, आप खेलने जाते हो, खाना खाए बिना आप खेल पाओगे? दो दिन तक कुछ नहीं खाओगे तो तीसरे दिन जाके आप खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे। खेलना तो क्या, बैठ के पढ़ भी नहीं पाओगे। मतलब कि हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। ठीक है, फूड में से जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपना फंक्शन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फूड में से जो एनर्जी मिली, उसी एनर्जी की मदद से मैं बोल पा रही हूँ, उसी एनर्जी की मदद से मैं लिख पाऊँ, उसी एनर्जी की मदद से मैं चल पाऊँ। तो हमारी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गेन्स है, वो फूड में से एनर्जी लेके अपना काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन है? सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पे सिर्फ तीन एग्जाम्पल दिए है। डाइजेशन, हम जो खाएंगे वो खाना हमारी स्टमक में डाइजेस्ट होगा, तो वो भी पहले के फूड से जो एनर्जी मिलती है उसी की मदद से होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पर ऑक्सीजन में से वो कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे? जब फूड में से कार्बन मिला तब वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अपने आप तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बन नहीं जाएगा। ठीक है, हमको सबको पता है, पहले से हम पढ़ते हैं कि हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, है ना? ठीक है, तो हमने लिया तो सिर्फ ऑक्सीजन था, निकला कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो कार्बन आया कहाँ से? हमने जो फूड लिया था उसमें से। ठीक है, फिर प्रोसेस है एक्सक्रीशन, स्टूल वगैरह, यूरिन वगैरह कैसे निकलता है? फूड का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो, ठीक है, हमने खाना खाया जितना भी, वो सारा डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब कि डाइजेस्ट होता है पर सारा हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं पैदा करता। हमने जितना भी फूड खाया, उस सारे फूड में से हमें एनर्जी नहीं मिलती, बहुत सारा फूड ऐसे स्टूल और यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस करने के लिए, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए फूड में से मिलती है जो एनर्जी, उसकी जरूरत पड़ती। ठीक है ना, वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें अपना फूड कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट्स में से, या तो एनिमल्स में से, या तो दोनों में से। प्लांट्स में से कैसे मिलेगा ये तो आपको पता है। ठीक है, आटा, गेहूं, चावल, बाजरी वगैरह मिलता है, वो प्लांट्स में से मिलेगा। वेजिटेबल्स भी प्लांट्स में से मिलेंगे, है ना। एनिमल्स में से क्या मिलता है? दूध मिलता है, एग्स मिलते हैं, फिर कई लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो भी एनिमल्स में से ही मिलता है ना। ठीक है, या तो जो कम्प्लीटली वेजिटेरियन है उन्हें प्लांट्स में से मिलेगा। ठीक है, तो कोई वेज एंड नॉन वेज दोनों खाता है तो उसे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में से मिलेगा। ठीक है, चल फिर, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो उस
से फूड प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो रेगुलर प्रोडक्शन, रेगुलरली प्रोड्यूस होना चाहिए। 2 साल पहले जो गेहूं पकाए थे वो हमारे पूरे इंडिया को चल जाएंगे 2 साल तक। हर साल गेहूं पकाने पड़ते हैं ना, तो रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए। 1 साल गेहूं पका दिए, फिर 5 साल तक गेहूं फार्मर ना पकाए तो पूरे इंडिया का क्या हाल होगा सोचो। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन भी हमें पता है 136 करोड़ है ना, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो सोचो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना है तो वो क्रॉप प्रोडक्शन रेगुलर होना चाहिए ना, रेगुलर प्रोडक्शन, हर बार उसका, हर साल उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, इसे बोलते हैं रेगुलर प्रोडक्शन। ठीक है, फिर है प्रॉपर मैनेजमेंट। अब पक गया खेत में का क्रॉप तो पक गया, पर उसे पूरे साल संभाल के भी तो रखना पड़ता है ना। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ये जो मसाले गेहूं वगैरह की सीजन है तो मम्मा पापा पूरे साल के गेहूं घर में ला के रखते हैं, फिर पूरे साल वो ऐसे ही रहेगा। मम्मी उसे संभालने के लिए क्या करती है, बहुत बड़ी टंकियों में भरती है, उसमें दवाई डालती है ताकि पूरे साल वो बिगड़े ना, उसमें ईयर वगैरह ना हो, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट। पूरे साल तक अच्छे से उसे कैसे संभाल के रखना है। ठीक है, वैसे वेजिटेबल्स में भी होता है, मम्मी रोज रोज सब्जी मंडी जाती है वेजिटेबल्स लाने के लिए, नहीं जाती ना, 4-5 दिन में एक बार जाती है, तो 4-5 दिन के लिए वो वेजिटेबल्स को या तो फ्रूट को संभालने के लिए वो फ्रिज में रखती है कि नहीं, रखती है ना, तो उसे बोलती है क्रॉप का प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, खेत में गेहूं पक गए, वहां से वो बोरी में भरकर क्या करेगा फार्मर, क्या करेगा उसे कहाँ तक लाएगा, स्टोर तक लाएगा, शॉप तक लाएगा, वहां से हम परचेज करेंगे, तो ये सब कुछ उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो फार्मर में ने गेहूं पका दिया, वो खेत में वैसे ही पड़े रहने देगा तो पूरे पॉपुलेशन को बाकी को गेहूं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो उसे फार्म में से निकाल के उसे बेचना पड़ेगा, तब दूसरे लोगों को वो गेहूं मिलेगा ना, तो ये प्रॉपर सारा मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी सभी लोगों को अच्छे से फूड प्रोवाइड हो सकेगा। ठीक है, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। बोला मैंने कि फार्मर वहीं पे पड़े रहने देगा अपने खेत में तो नहीं होगा ना, वो क्रॉप को उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, आपको देख आपको पता होगा कि AMC चलती है। ठीक है, बड़े बड़े सिटीज में जो तालुका होता है ना वहां पे AMC होती है। AMC का मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मर से क्रॉप वगैरह खरीदते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फार्मर के पास से वो क्या करेगा, क्रॉप उन्होंने जो खेत में पकाया होता है क्रॉप उसे वो खरीदेंगे, वहां से खरीद के वो रिटेल में बेचते हैं। रिटेल में बेचना मतलब कि छोटे छोटे शॉप वाले जो वेंडर्स होते हैं उसे वो देते हैं और वहां से हमारे जैसे लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तभी सभी लोगों को अच्छे से फूड प्रोवाइड हो सके। तो ये सब कुछ रेगुलर क्रॉप का प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। मैनेजमेंट अच्छे से होना मतलब कि अगर उसे पूरे साल तक संभाल के रखना है तो उसमें दवाई वगैरह डालना पड़ेगा ताकि वो बिगड़े ना, उसे अच्छे से ठंडे एटमोसफियर में स्टोर करना पड़ेगा। आपको पता होगा कोल्ड स्टोरेज, इसके बारे में आपने सुना होगा, हमारे अहमदाबाद में है, गांधीनगर में भी है, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, मतलब कि ईंटों से बड़े बड़े टंकर्स बनाते हैं वो लोग। ठीक है, जिनका टेम्परेचर हमारे रेगुलर टेम्परेचर से बहुत कम होता है और उसमें फूड स्टोर करके रखते हैं गवर्नमेंट वगैरह, और जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे वो उनमें से निकाल के बेचते जाते हैं लोगों को। ठीक है, खेड़ूत से जब पका, ठीक है, जैसे कि विंटर में गेहूं बहुत अच्छे होते हैं तो फार्मर्स ने बहुत सारे गेहूं सारे फार्मर्स ने पका दिए, वो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट वो खरीद के ये बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें भर के रखती है पूरे साल के लिए। ठीक है, एक साथ वो खरीद के भर के रख देगी, जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के बेचते जाएंगे ताकि पूरे साल तक वो अच्छे से मैनेज हो पाए। ठीक है, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट। और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से होना चाहिए, जैसे कि हर एक सिटी है तो सिटी में बहुत सारे बड़ी बड़ी सिटीज होती है, जैसे कि हमारे अहमदाबाद में तो किसे करोड़ों लोग रहते होंगे ना, तो उसे फूड की ज्यादा जरूरत होगी तो उसे ज्यादा फूड सप्लाई करो, गांव में बहुत कम लोग रहते हैं तो वहां पे कम फूड प्रोवाइड करो, तो ऐसे अच्छे से लोग कहाँ पे कितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से वो क्रॉप का वो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए।
अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसे ज्यादा क्रॉप प्रोवाइड करो, ज्यादा फूड प्रोवाइड करो, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। क्लियर, दिस इज द इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है पता है आपको? फार्मर फार्म में क्रॉप उगाने के लिए जो जो प्रोसेसेस करता है इन सबको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। मतलब कि सबसे पहले फार्मर क्या करेगा, आपके कई सारे लोगों के फादर फार्मर भी होंगे, अगर नहीं होंगे तो गांव में चाचा वगैरह रहते होंगे या तो कोई रिलेटिव वगैरह रहते होंगे, वो तो खेती करते होंगे, कहीं ना कहीं कोई तो टच मिलता होगा ना खेती के साथ आपका। ठीक है, चलो आपके अंकल आपके पापा आपके मामा नहीं करता, पर कहीं से कोई तो टच मिलता होगा, आपने खेत तो देखे होंगे, है ना। तो सबसे पहले फार्मर क्या करता है, खेत को प्लाव करता है। प्लाव करना मतलब कि खेत की जो जमीन होती है ना उसे क्या करते हैं, खोदते हैं, खोद के उसे एकदम सॉफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि अगर उसमें बीज डाले जाए, फिर वो सीडिंग करते हैं, बीज डालते हैं क्रॉप के लिए, ठीक है, ताकि वो बीज डाले जाए तो उसके रूट्स अच्छे से जमीन में उतर सके, वो सॉफ्ट होगी तभी तो वो जमीन में उतर सकेगा ना। ठीक है, तो जमीन में उतर सकेगी, ठीक है, फिर उसमें से वो उसमें क्या डालता है, फर्टिलाइजर डालते हैं, रेगुलरली उसे पानी देते हैं, तब जाके वो बड़े बड़े प्लांट्स में उगेगा। ठीक है, फिर उसमें से उग जाएगा, पक जाएगा, तब उसमें से वो क्रॉप वहां से सेपरेट कर लेगा, जैसे कि गेहूं के प्लांट होते हैं उसमें से गेहूं को सेपरेट करके वो बोरी में भर के रख देगा। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेसेस वो करता है ना उसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या बोलते हैं उसे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, देखो ये जो येल्लो बॉक्स में लिखा है वो मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, टिल 10,000 BCE पीपल वेर नोमेडिक। 10,000 BCE मतलब कि अभी कौन सा साल चल रहा है, 2021। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 100, 200, 500, 700, 1,000, 1,500, 1,200, 1,500, 1,900, 2,000, 2001, 2002 से लेके 2021 तक अब हम पहुंचे हैं। तो ईयर अभी कौन सा चल रहा है, 2021, तो ईयर वन भी कभी तो होगा ना बहुत सालों पहले, है ना। तो ये वन साल जब शुरू हुआ उससे भी 10,000 साल पहले, उसे बोलते हैं 10,000 BCE। आया समझ में? ठीक है, जैसे अभी 2021 चल रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, 2021, उससे आगे कौन सा साल था, 2020, उससे आगे कौन सा था, 2019। तो ये शुरू कहाँ से हुआ होगा, वन से शुरू होगा ना, साल वन साल टू साल थ्री, अभी कहाँ तक पहुंच गया है, 2021 तक पहुंच गया। तो ये जो वन स्टार्ट हुआ उससे भी 10,000 साल पहले का उसे बोलते हैं 10,000 BCE। क्या बोलते हैं उसे? 10,000 BCE। तो सिंस 10,000 BCE पीपल वेर नोमेडिक मतलब कि उन लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता था, उन्हें जमीन में उगा के खाना पकाना, क्रॉप उगाना, फिर उसमें से गेहूं, जैसे मम्मी क्या करती है, गेहूं में से आटा बनाती है, आटे में से मस्त फुल्का फुल्का रोटी सॉफ्ट सॉफ्ट बनाती है ना। ठीक है, वेजिटेबल्स को कट करके उसे उसमें मसाले ऑयल वगैरह डाल के अच्छे से हमारे लिए पकाती है, चावल को पकाती है, दाल बनाती है ना। ये सारी चीजें उन लोगों को पता नहीं थी, एनिमल को मार के उसका कच्चा मांस ही खाते, नोमैडिक थे, उन लोगों को कुछ ज्यादा पता नहीं था क्योंकि इतने सारे रिसर्चेस, इतनी सारी चीजें उन लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी। हमारे पास तो अब तो कितनी सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह है ना, उन लोगों के पास तब ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, दे वेर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तब उन लोगों के पास घर भी नहीं थे, वो गुफाओं में खुले रहते थे, उन लोगों को झोपड़े बांधने की भी समझ नहीं थी। ठीक है, ग्रुप्स में थोड़े बहुत लोग एक साथ ग्रुप में क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूमते रहते थे क्योंकि अपना कोई घर तो था नहीं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था, तब सरकार वगैरह कुछ थी। ठीक है, अब तो हम कहीं के किसी के घर पे जाके रहे तो बोलेंगे कि भैया तेरा घर नहीं है, निकल यहां से। वैसे उन लोगों को कोई समझ ही नहीं थी क्योंकि उनका अपना किसी का भी कुछ अपना था ही नहीं, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, खाने और शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने के लिए, हाँ,
धूप में ऐसे खुले में तो पड़े नहीं रह सकते, तो जो गुफा वगैरह होता था ना उनमें जाके वो लोग रहते थे, ठीक है। तो वो उन लोगों का शेल्टर होता था, तो फूड और शेल्टर की रिसर्च में वो लोग ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते, ठीक है। नाउ दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, ठीक है। तब अपने आप जो ट्रीज वगैरह उगता था उन लोगों को उगाने की खब पता नहीं था, उन लोगों को ये समझ नहीं थी, तो अपने आप नेचुरली जो ट्रीज वगैरह उगते थे उसमें रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कच्चे फ्रूट्स और कच्चे वेजिटेबल्स वो खा जाते थे, एनिमल्स को मार के उनका मांस भी वो कच्चा खा जाते थे, उन्हें पकाने की तब समझ नहीं पड़ती थी, ठीक है। नाउ लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस व्हीट अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। जैसे ही साल बीतते गए वैसे वो लोग कच्चा खाते थे, तो एक बार उन्होंने समझ में कभी तो आया होगा ना कि ऐसा कच्चा खाने की बजे अगर हम उसे पकाए तो कितना मीठा और स्वादिष्ट बन जाएगा। तो सालों के सालों चलते गए, उन लोगों की समझ थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, फिर उन लोगों को समझ में आया कि हमें नेचुरली जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं उससे अगर हम उगाए तो हमें ज्यादा से ज्यादा मिलता रहेगा, नेचुरली तो बहुत कम मिलेगा ना, अपने आप बढ़ने वाले ट्रीज तो बहुत कम होंगे, है ना। तो उन लोगों ने धीरे धीरे उनकी बुद्धि काम करती गई, उन्हें धीरे धीरे समझ में आता गया, तो वो लोग क्या करते गए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उन लोगों ने उगाना शुरू कर दिया। जैसे उन लोगों के समझ में, हाँ तब हमारे पास जैसे अभी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके पास ऐसा कुछ इतना ज्यादा नहीं था, पर वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेते थे, है ना। धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आता गया, उन लोगों ने क्रॉप्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह उगाना शुरू किया और तब से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। क्या हुआ, तब से एग्रीकल्चर की शुरुआत, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे लोग आगे आगे समझदार बनते गए वैसे ही एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे, इजी बनता गया एग्रीकल्चर, ठीक है। नाउ व्हेन प्लांट्स अप ग्रो, क्रॉप क्या होता है, क्रॉप के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। पहले क्रॉप की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं डेफिनेशन आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये सब आपको लिखना है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड are cultivated in one place on a large scale it is called a crop. क्या है क्रॉप की डेफिनेशन, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप किसे बोलते हैं, देखो मैं आपको समझाती हूँ। फार्मर है, वो खेत में गेहूं उगाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब वो गेहूं पूरी तरह से अच्छे से पक जाएंगे, ठीक है, गेहूं हमारे घर पे जो आते हैं वे वैसे गेहूं बन जाए, तब वो फार्मर क्या करता है, खेत में से एक ही प्लांट निकाल के उसमें से ही गेहूं अलग करेगा, नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा, खेत में जितने भी गेहूं उसने उगाए हैं वो सारे प्लांट्स को इकट्ठा करके एक जगह पे लाएगा, मशीन में डाल के उसमें से गेहूं के दाने अलग करेगा, ठीक है। लार्ज स्केल में उसमें से कितने सारे गेहूं के दाने निकलेंगे, कितने केजीज, ठीक है, खेत के हिसाब से। अगर कम बोए है तो 200 किलो 400 किलो 500 किलो, कई बार बड़े बड़े खेतों में तो 1000 किलो 5000 किलो भी होते हैं, डिपेंड्स कि कितना बड़ा खेत है और कितना उगाया, ठीक है। कोई 2-4 किलो तो कोई नहीं उगाएगा, मिनिमम 100 केजी तो होगा ना, मिनिमम बोल रही हूँ, इतना कम तो नहीं ही होगा, मिनिमम 700 से 800 केजी तो होगा ही, ठीक है। इतना गेहूं तो फार्मर उगाते ही, क्योंकि छोटे से छोटे खेत में भी इतने तो हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि वेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब कि सारे गेहूं के ही प्लांट्स होंगे ना, गेहूं के साथ चावल के प्लांट्स लाएंगे
नहीं लाए देखो तो बीम बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सेम काइंड एक ही टाइप के प्लांट से आप कल्टीवेटेड एक वन प्लेस एक ही जगह। कोई फार्मर है वो अपने खेत में से गेहूं के सारे प्लांट्स निकाल के बाजू के खेत वाले को दे देगा, आजू बाजू जितने भी खेत है सबको थोड़ा 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 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, नहीं करेगा ना। वो अपने सारे प्लांट्स एक ही जगह पे रखेगा, वहां पे उसे मशीन में डाल के उसमें से गेहूं निकालेगा। तो एक ही प्लेस पर जब वो सेम टाइप के प्लांट्स कल्टीवेट होते हैं, कल्टीवेट होना मतलब कि प्लांट्स में से गेहूं के या तो चावल के या तो बाजरे के दाने को अलग करना, उसे बोलते हैं कल्टीवेट करना। ठीक है, तो सेम काइंड के प्लांट्स को एक ही प्लेस पर जब कल्टीवेट किया जाता है तब लार्ज स्केल में मतलब कि बहुत सारी क्वांटिटी में 2-5 किलो में नहीं, ठीक है, लार्ज स्केल में जब सेम काइंड के प्लांट को एक ही प्लेस पर कल्टीवेट किया जाता है और उसमें से हमें जो प्रोडक्ट मिलती है उसे बोलते हैं ग्रो। ठीक है, खेत में गेहूं के प्लांट्स लगाए, पक गया, अच्छा हो गया, खेत फार्मर ने वो प्लांट्स निकाल के जगह पे इकट्ठा किए, मशीन में डाल के उसमें से गेहूं अलग किए, तो हमें जो गेहूं मिले तो गेहूं को हम क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? क्रॉप बोलेंगे। आया समझ में? वैसे ही अगर गेहूं ना उगाया हो तो चावल हो सकते हैं, चावल ना हो तो बाजरी हो सकती है, वो ना हो तो मूंगफली हो सकती है, वो ना हो तो सोयाबीन, बहुत सारी होती है ना खाने में, हम कितनी सारी चीजें यूज करते हैं, मसाला वगैरह यूज होता है ना, तो वो मसाला पाउडर फॉर्म में होता है तो डायरेक्टली खेत में से पाउडर तो नहीं मिलता ना। मिर्च का पाउडर, पहले मिर्च होती है फिर उसे सुखा के उसे क्रश किया जाता है, वैसे ही हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें खेत में पकाई जाती है और फाइनली हमें जो मिलेगा उसे बोलते हैं क्रॉप। फिर हमारी जरूरत के हिसाब से हम उसे यूज करते हैं, जैसे कि गेहूं है, गेहूं में से कितनी सारी चीजें मम्मी बनाती है, रोटियां बनाने के लिए एकदम बारीक पाउडर चाहिए होगा, जबकि भाखरी बनानी हो तो थोड़ा मोटा पाउडर रखेगी मम्मी, है ना, देखी चीज में से कितना बनेगा। लड्डू बनाती है मम्मी, तो ऐसे अलग अलग जो भी चीज अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हम उसका यूज करते हैं ना। ठीक है, हरी मिर्च हम खाने के लिए यूज करते हैं ना, खाने में हरी मिर्च मम्मी डालती है खाने में, ठीक है, हरी मिर्च यूज करते हैं। वही मिर्च अगर ट्रीज उसके प्लांट से ना निकाली जाए, हरी मिर्च अच्छी हो गई फिर उसे प्लांट से तोड़ना नहीं है, ऐसे ही थोड़े दिनों के लिए रहने दो ना, तो वो हरी मिर्च लाल मिर्च में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसे प्लांट में से अलग करके धूप में सुखाएंगे तो वो सूख जाएगी, फिर उसे क्रश कर देंगे तो हमें लाल मिर्च का पाउडर मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूरत के हिसाब से हम उसका यूज करते हैं। हरी मिर्च की जरूरत हो तो प्लांट्स में से तोड़ लो, ना हो तो उसे रहने दो तो अपने आप लाल हो जाएगी, फिर उसे धूप में सुखा दो तो उसमें से हमें पाउडर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम क्रॉप का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्रॉप की डेफिनेशन हमने लिख ली, डन, आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।